आपके स्टोर से सामान ग्राहक तक झटपट पहुंचाने तक। बिग ब्लेस, हर कारोबारी की खुशियों की चाबी, खुशियों की अपनी दुकान। विदेशों में खाद्य तेलों के भाव लगभग 50 रुपए लीटर के हिसाब से नरम हुए हैं, पर इस गिरावट का लाभ उपभोक्ताओं तक नहीं पहुंच रहा है। इस समस्या को सुलझाने की ओर ध्यान दिया जाना चाहिए। बाजार सूत्रों ने कहा है कि मूंगफली बिनौला के मुकाबले सरसों तेल अभी भी सस्ता है और इसलिए इसकी खपत बड़ी है। सरसों का इस बार सहकारी खरीद एजेंसियों के पास स्टॉक भी नहीं है और अगली फसल में अभी लगभग 8.5 महीने की देर है। आगे जाकर त्यौहार के समय सरसों की दिक्कत भी बढ़ सकती है। दिल्ली तेल तिलहन बाजार में सरसों, सोयाबीन, पॉमलिन, मूंगफली, सीपीओ, बिनौला सहित लगभग सभी तेल तिलहनों के भाव में तेजी देखी जा रही है। वहीं बाजार सूत्रों ने कहा है कि मलेशिया एक्सचेंज में 5.5% तक की गिरावट देखी गई है, जबकि शिकागो एक्सचेंज में लगभग 1.25% की मजबूती भी देखने को मिली। विदेशों में इस तेजी के कारण स्थानीय तेल तिलहन कीमतों में सुधार भी आया है। वहीं उधर इंदौर में संयोगितागंज अनाज मंडी में चना काटा 25 रुपये और मूंग के भाव में 100 रुपये प्रति क्विंटल की कमी देखने को मिल रही थी। वहीं बता दें कि तुअर 50 रुपये प्रति क्विंटल महंगी बिकी है। सूत्रों ने कहा है कि मध्य प्रदेश में सोयाबीन बुआई का रकबा पिछले साल के मुकाबले कम रहने की उम्मीद है। मध्य प्रदेश सागर के एक आंतिया ने कहा है कि प्रदेश में इस बार किसान सोयाबीन की जगह मक्के की बुआई में रुचि दिखा रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, मार्केट टाइम्स टीवी। आपके कारोबार के लिए फंड और लोन जुटाने तक बिग ब्लेस, हर कारोबारी की खुशियों की चाबी, खुशियों की अपनी दुकान।